8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया, अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी PDNA हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जो सीमेंट के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। रिपोर्ट है काफ़ी मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टी डिस्प्लिनरी एक रिपोर्ट कह सकते हैं, इसमें कि ड्रेनेज के संबंध में एक है कि जिस तरह से पानी का रिसाव जमीन के अंदर हो रहा है वो एक कारण हो सकता है सब्सिडेंस का। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं काफ़ी भारी मात्रा में वो भी एक कारण हो सकता है रिपोर्ट का सब्सिडेंस का। इसके अलावा जो ड्रेनेज ठीक नहीं है वो एक कारण है, क्योंकि पानी ऊपर से आता है नालों में काफ़ी तेज़ी से जाता है जिससे कटाव होता है, वो भी एक कारण है। ये भी बताया गया है कि जो अलकनंदा में पानी आती है उससे जो टो इरोजन होता है वो भी एक कारण, एक फैक्टर हो सकता है स्लाइड का और सब्सिडेंस का। तो बहुत सारे कारण उसमें दर्शाए गए हैं, और जब हम काम करेंगे तो इस सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। जो टेक्निकल रिपोर्ट है और अन्य जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि क्योंकि ये लूज मटेरियल पे बसा हुआ है जो सीमेंट, तो इस लूज मटेरियल के कारण कोई भी पानी अंदर ना जाए भारी मात्रा में, और प्लस जो निर्माण है उनको निर्माण को जगह के अनुसार कितनी भारी हो सकती है, कितनी ऊंचाई की हो सकती है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाए गए। इसमें अभी फ़िलहाल जब तक कि हमारी पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती है स्टेबलाइजेशन की, तब तक वहाँ पर कोई भी छोटे मोटे निर्माण के अलावा कोई भी निर्माण, नए निर्माण हमने भी रोक रखा। तो नल का देखिए, इस बात पे शक तो किया जा सकता है कि भाई सरकारी रिपोर्टें हैं, जानबूझ के भी हो सकता है कि भाई टनल पे आँच ना है, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, ये लोग कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, सच है कि टनल का डायरेक्ट रोल निकालना इतना सरल भी नहीं है। जो पानी वहाँ निकला है अगर उस पर तुम ट्रेसर्स वगैरह के हिसाब से उसको आइसोटोप स्टडीज़ वगैरह के बेसिस पे कुछ करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भी कोशिश कर रखी है, हमारे भी पाइपलाइन में वो है, लेकिन इतना सरल नहीं है उसका डायरेक्ट रोल निकालना। वैज्ञानिक अनुभव से हम ये बात कह सकते हैं कि जिस टनल निर्माण के दौरान एक्वीफर पंचर हुआ, पानी पंचर हुआ, तो उसकी वजह से ऊपर का साम्य डिस्टर्ब हुआ, ब्लास्टिंग हुई, उसकी वजह से दरारें बड़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं रोल तो आता है, हर टेरेन पे दरारें पड़ती हैं अगर ब्लास्टिंग होता है उस क्षेत्र में तो, और ये टनल जैसी चीज़ें बनती हैं तो पानी का इक्विवेलेंट डिस्टर्ब होता है ग्राउंड वाटर का और दरारें पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल तो होता है, लेकिन इसको पिन पॉइंट ट्रेस आउट करना इतना सरल भी नहीं है। एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण यही है कि और कारण भी हैं, दरारें भी बढ़ गई है। नहीं, दरारें तो हमने बताए थे, दरारों का कारण तो कई कारण हैं कि ओवर कैरिंग कैपेसिटी से कई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया, इस बीच और कंस्ट्रक्शन दुनिया भर के हुए, ड्रेनेज पुअर था, तीसरी बात यह है कि लैंडस्लाइड मटेरियल पे बसा हुआ है जोशीमठ, और ये सारी चीज़ें मिलके और ब्लास्टिंग का भी कारण रहा होगा। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या रहा ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई बोझ तो बढ़ रहा था, लेकिन वही वाली बात है कि धकेया किसने है नीचे को, शुरू किसने किया धकेना, कौन सी ऐसी इवेंट रही होगी। जोशीमठ को लेकर के इस बीच मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में, और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया, और अभी भी जब किया गया है तो हाईकोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि NTPC को क्लीन चिट दी है IIT रुड़की ने और GSI वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है, दूसरी बात जो है जो GSI कह रहा है, तो GSI पर तो हमारा ये कहना है कि GSI ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। उसके बाद 2010 में करंट साइंस में एक पेपर छपा डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर APS बिस्ट का, जिसमें उन्होंने GSI की जो फाइंडिंग्स हैं उनकी जो रिपोर्ट है उसको
कोट करते हुए कहा कि ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। ये जीएसआई की ही रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। जहां तक आईआईटी रुड़की का ये कहना है कि पानी का जो नमूना है वो जो है एनटीपीसी के जो साइट से लिए हुए नमूने से मेल नहीं खा रहा है, तो इस पर हमारा कहना है कि अगर वो वहां से मेल नहीं खा रहा है तो जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो तो सूखे नहीं है, उनमें तो लगातार पानी अभी भी चल रहा है। तो ये जो पानी 2 जनवरी को आया, ये जो है ये तो 15 दिन में बंद हो गया, तो ये कहाँ से आया था इसका कहीं कोई जो है डिटेल वो नहीं है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं जिन पर दबाव बनाया गया है और उनको कुछ भी कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, सरकार वो प्रतिबंध हटाए, वैज्ञानिकों को स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रखने के लिए उनको खुली छूट दे ताकि जो है वो स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रख सके। तीसरी बात जो एनडीए में कह रहा है कि जोशीमठ पर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ भूमि की भार क्षमता और जो यहाँ भूमि है वो कमजोर है, इसलिए यहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए। इस पर हमारा ये कहना है कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए तो जो एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण हो रहा है, हमारा कहना है कि इस पर भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति रिपोर्ट्स का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी बात जो है विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी और तब हम जो है विस्तार से अपनी बातों को रखेंगे। भले हमारा अभी भी ये कहना है कि जो सवाल हमने एनटीपीसी की परियोजना पर उठाए थे इन रिपोर्ट्स में अभी तक उसका जवाब नहीं है। एलएनटी ने जिस तरह से इस परियोजना को छोड़ा, वो जो पेपर हमने प्रस्तुत किया उस पर कहीं कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना है और हम विस्तार से रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।